हेलो गाइस, सो वेलकम टू मधु गेमिंग पार्टी। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग पहुंच चुके हैं एक बार फिर से एक और नए वीडियो पे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 3K क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो। वो बस अभी हम लोग आपका मतलब मैं आपका क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ एंड देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपने डाले हैं। एंड बॉयज, आपने जो डाले हैं वो भाई खतरनाक से है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गॉड डिजाइन से, What is the plan after 10K on YouTube? तो भाई मेरा plan सबसे पहले ये है, जो कि मैं अभी भी करता हूँ वो ही मैं करना चाहता हूँ आगे भी जाके। बस बंदे लोग की हेल्प वो मैं पहले से, क्योंकि मेरे को वो नहीं मिला था तो मैं नहीं चाहता कि वो और बंदे के साथ हो। तो गाइस मैं आगे भी जाके बंदे की पोस्ट स्ट्रीम्स एंड बंदे की जिस भी तरीके से हम लोग मतलब हेल्प कर सकते हैं, करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो ये मेरा पहला ड्रीम भी एक बोल सकते हो, ये मेरे ड्रीम में से भी है कि मैं ऑलवेज ये कोशिश करता जाऊंगा एंड मैसेज चैट से जैसे पढ़ता हूँ सबके पढ़ूंगा। एंड रेंज 10K के बाद हम लोग चालू करेंगे और भी जोर तरीके से, ठीक है। एंड सिमराट सिंह, अभी सिमराट सिंह ने एक कठिन क्वेश्चन किया है, बोला एक नेम ऑफ गर्लफ्रेंड। भाई मैं शादीशुदा हूं, मेरी एक छोटी सी बच्ची है 3 साल का, तो समझ सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन है मेरे बीबी के ओर से, कब फिर से घूमने को ले जाओगे? तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, मैं तो ऐसे ही जब भी मौका मिलता है जाता ही हूँ, फिर भी पूछता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग जाएंगे, आगे भी जाएंगे और भी बहुत सारे जगह जाएंगे। आप अगर आप लोग मौका दो तो जरूर जाएंगे। एंड आप जैसे सपोर्ट करते हो मेरे को, ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ बस। इसके बाद का एक और क्वेश्चन है, क्या तुम मुझसे वैसा ही प्यार करते हो जैसे पहले करते थे? मेरी बीबी क्वेश्चन किया है, तो मैं बोलूंगा उतना क्यों, उससे भी ज्यादा करता हूँ, मगर मैं दिखा नहीं पाता क्योंकि इधर उधर काम पे बिजी हो जाता हूँ, इसलिए दिखा नहीं पाता, मगर मैं उससे भी ज्यादा करता हूँ। चलो नेक्स्ट सवाल मेसी की तरफ से, गेम किस फोन में खेलते हो? ब्रो मैं गेम खेलता हूँ 1+9 Pro 5G फोन पे अभी। एंड फोन में खेलते हो कि पीसी में? फोन पे खेलता हूँ। किस मैप में खेलना अच्छा लगता है आपको? मैं तो उतना नहीं खेलता, मगर देखते हुए मेरे को सबसे अच्छा लगता है एरंडल। एंड फर्स्ट टाइम कब मिले भाभी से, कैसे प्यार हुआ? फर्स्ट टाइम देखा तुझे प्यार हुआ, मतलब बहुत साल पहले की बात है, फर्स्ट टाइम देखा था, मगर साल कौन सा है, साल है भाई 2011 शायद, 2011 पे पहले मुलाकात हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद प्यार हुआ एंड हो गया सब कुछ, शादीशुदा। चलो गेमिंग पिक ने क्वेश्चन किया है, टूथपेस्ट पे नींबू है क्या? भाई मेरे टूथपेस्ट पे नींबू नहीं है, क्योंकि मेरे दांत ऑलरेडी स्ट्रांग है तो मेरे टूथपेस्ट पे मैं नींबू नहीं यूज करता। बीटवर्ड जेंज ने क्वेश्चन किया है, आप मेरे चैनल कब प्रमोशन कर रहे हो? ब्रो मैं देखो, मैं जो पहले भी बहुत बता चुका हूँ कि 10K के बाद मैं एकदम से चैनल को, सभी चैनल्स को रेड करना चालू करूंगा एंड तभी सपोर्ट आपको ही ज्यादा मिलने वाले हैं। एंड अभी अगर सपोर्ट करना चालू किया तो बंदे लोग जाते नहीं, ठीक है, तो 10K हो जाएगा तो और भी ज्यादा सपोर्ट हम लोग तब कर पाएंगे। अभी भी आप अगर चाहते हो तो मैं जरूर जा सकता हूँ, मगर बंदे लोग नहीं जाएंगे तो इसके लिए मैं नहीं जाता, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नोमिनो ने ये क्वेश्चन किया, भाई इनकम आ रही है यूट्यूब से? हाँ भाई इनकम आ रही है एकदम सटीक एंड मेरे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, $100 अभी तक पूरा नहीं हुआ है एंड इनकम आ रही है। लुवन इधर फेसबुक पे कमेंट किए थे, भाई यू हैव बॉयफ्रेंड? हाँ भाई बहुत सारे बॉयफ्रेंड है मेरे, बहुत सारे, आप भी होए लुवन। दिवाकर
दिवाकर सिलीगुड़ी से क्वेश्चन किए तुम्हार लाइफ जर्नी शुरू ठीक आज अब्दि कैमन हलो ब्रो शुरू खूब कठिन छिल আমার জন্য স্পেশালি সব ইউটিউবারদের হয়তো এরকম হয় না বেশিরভাগদেরই হয় কিন্তু সবদের হয় না তো সবার প্রথমে যেমনটা কি হয় সাপোর্ট আমি পাইনি তো আমি সেই অভাবটা অন্য কাউকে দিতে চাই না যারা আমার সাপোর্টার অ্যান্ড সাপোর্ট মিলাম আগে বহুত কম তো উতনে সে কাম নেই হুয়া তো দো ঢাই সাল লগ চুকে মেরে কো আগে বড়নে মে ये आप लोग जानते हो आप पहले से बहुत पहले से हो दिवाकर तो आप जानते हो कि क्या क्या बीता मेरे ऊपर क्या क्या हुआ सब कुछ जानते हो मतलब यूट्यूब करियर में से ओके कैमोन लग चे दिवाकर ने क्वेश्चन किया भाई बहुत बढ़िया लग रहा है कि 3K हम लोग ने पास आउट कर लिया है तो एक मतलब 10th 12th पास करने के बाद जैसा लगता है वैसा ही फीलिंग आ रही है अभी एकदम मस्त शायन ने बहुत सारे सवाल रखे तो पहला सवाल है व्हाट्स योर एज ब्रो आई एम 27 प्लस एंड दूसरा सवाल विल यू कंटिन्यू टू होस्ट पेड स्ट्रीम्स भाई अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा ठीक है तीसरा सवाल है एमजी स्पोर्ट्स का रोस्टर कब आएगा विद ट्रेलर कठिन सवाल भाई एमजी स्पोर्ट्स पहले मेरे को और भी बंदे चाहिए एमजी स्पोर्ट्स के ठीक है अभी मैं रोस्टर नहीं डालने वाला क्योंकि और भी बंदे चाहिए उनमें से जो भी बेहतर चार होंगे सिर्फ उन चार को या फिर 5-6 को बंदे को मैं रोस्टर पे डालने वाला हूँ ठीक है व्हाई यू लेफ्ट फोरेसेस भाई सच बोलूं तो भाई फोरेसेस मैंने अभी तक लेफ्ट नहीं किया एक बात एंड दूसरी बात यह कि फोरेसेस मैं अभी फोरेसेस की स्ट्रीम्स नहीं करता क्योंकि एक ही रीजन है कि एमजी स्पोर्ट्स मैंने चालू किया वो लोग रोज नहीं करते थे ठीक है एंड बीच में बहुत दिन वो लोग बंद रखे थे तो तब मैंने एमजी स्पोर्ट्स रेडी करने की ख्याल लिया एंड एमजी स्पोर्ट्स रेडी किया तो तब उन लोग नहीं करते थे मगर वो लोग फिर से स्टार्ट किए मैंने उनके साथ भी स्टार्ट किया फिर से ये दूसरी बात मैंने फिर से उनके साथ स्टार्ट किया मगर भाई प्रॉब्लम हो रहा था ये कि वो लोग रजिस्ट्रेशन के साथ करते थे एंड हमारे होते थे ओपन तो इसमें बंदे मिसिंग मतलब बंदे नहीं आते थे तो बंदे मिस हो रहे थे दोनों कस्टम में ही उनके भी मिस हो रहे थे मेरे भी मिस हो रहे थे एंड व्यूअर्स भी घट रहे थे तो मैंने ये ख्याल लिया कि अभी के लिए कुछ दिन हम लोग फोरेसेस के साथ नहीं करेंगे आपका गेम प्ले आप थोड़ा इंप्रूव करके आप भी थोड़े कस्टम खेलो ब्रो देखो पहली बात मेरे को मौका नहीं मिलता है खेलने का ठीक है मौका नहीं मिलता है क्योंकि मैं दिन में काम करता हूँ काम से वापस आता हूँ 8:30 बजे उसके बाद खेलने का मन नहीं होता है तो सिर्फ देख के ही मजा उठाता हूँ आप लोगों का गेम अच्छा हैड यू स्टार्टेड यूट्यूब चैनल फॉर कस्टम्स और फॉर कॉन्टेंट्स एंड हाउ यू फीलिंग आफ्टर 3K सब्स ब्रो 3K सब्स के बाद उतना बढ़िया फीलिंग नहीं आ रहा सच मत मैं जो बोल रहा हूँ कि उतना बढ़िया फीलिंग नहीं आ रहा मगर बहुत अच्छा लग रहा है एंड कस्टम्स या फिर कंटेंट्स भाई ऑफकोर्स कंटेंट्स के लिए ऑफकोर्स कंटेंट्स के लिए मैं भागता हूँ एंड मगर टाइम नहीं मिलता इसलिए कॉन्टेंट्स नहीं बना पाता सिर्फ कस्टम्स ही बनाता हूँ नहीं तो बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको देखने को आते रहते हैं मेरा सवाल है आप लाइव स्ट्रीम पे रेगुलरली खेलोगे कब एक दो कस्टम बाकी एक दो अवर लाइव पे खेलना ब्रो देखो जरूर खेलेंगे ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है अभी जरूर खेलना चालू करेंगे मगर मैं एक कोशिश कर रहा कि जल्दी से जल्दी हम लोग 10K या फिर 7-8K पूरा कर लें उसके बाद गेम प्ले में भी बंदे लोग टिकेंगे तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी 7 या फिर 8K कंप्लीट करें तो उसके बाद मैं जरूर खेलूंगा नहीं तो अभी बंदे लोग नहीं टिकते भाई ठीक है सब इसका गेम प्ले कौन देखता है भाई भाई गेम प्ले नहीं देखते बंदे लोग मैं पहले ही बोल रहा हूँ गेम प्ले बंदे लोग नहीं देखते बंदे लोग देखते हैं नाम देखते हैं बंदे लोग ठीक है तो जब भी आपके सब्सक्राइबर्स या फिर और कुछ पहले बढ़ाना बहुत मुश्किल है मैं जानता हूँ सब लोगों के लिए मगर जब भी बढ़ जाते हैं तब भाई गेम प्ले हो या फिर आप मतलब ब्रश कर रहे हो या फिर साइकिल चला रहे हो सब कुछ में मिल जाते हैं ये मेरा मेरे ख्याल से यही है ठीक है एंड नेक्स्ट आपके लाइफ में कौन कौन इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ पे मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है एंड मेरे दोस्त लोग जो मेरे को सपोर्ट करते हैं वो सभी सच
सभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके लिए आप कभी भी कॉपरेट नहीं करोगे। यस, किसी के भी साथ कॉपरेट नहीं करूँगा, क्योंकि कठिन समय पर ये लोग ही मेरा हेल्प करते हैं। सिर्फ यूट्यूब की बात मैं नहीं करूँगा। इस बार में आपने ऐसा सवाल किया कि घर की बात भी आता है, तो भाई कुछ भी चीज़ पे अगर कोई बंदा अगर सटीक से हेल्प करे या फिर कोई कठिन समय पे बंदे, तो भाई अच्छे टाइम पे बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे, मगर कठिन समय पे एक बंदे मिसिंग रहते हैं। तो कठिन समय पे जो बंदे आपका साथ देते हैं वही रियल फ्रेंड या फिर रियल दोस्त लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो वो समय में जो मैंने मेरे साथ दिया या फिर जो मेरे साथ थे उनके साथ मैं कभी भी कोऑपरेट नहीं करूँगा किसी। एंड भाई पार्टी दोगे ठीक है कि या नहीं, भाई पार्टी तो नहीं दे सकता क्योंकि इधर पूरे इंडिया से या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से ही बंदे हैं, तो पार्टी किस किस को दूँ। मगर यस, एक अच्छा सा कुछ रेडी करने की कोशिश करूँगा जो आप लोग मेरे को सजेस्ट करोगे वो कुछ कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो लाया, उसके बाद कुछ और लाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। What are the goals that you want to achieve in next 2 years? भाई 2 साल में मेरा गोल ये है कि क्या है भाई 100K, 2 साल में बहुत है भाई मेरे लिए, 100K बहुत है, 100K हो जाए तो भी बहुत है अगर हो जाए तो। मधुदा कौन आपको YT स्टार्ट करने का आइडिया दिया एंड कौन से स्ट्रीमर से आप इंस्पायर हुए थे? भाई मेरे को YT स्टार्ट करने के लिए किसी ने भी आइडिया नहीं दिया था, बस मैं देखा एंड चालू किया, ठीक है। एंड मैंने कौन से स्ट्रीमर, भाई पहले तो मैं नाम भी याद नहीं, फुटबॉल फीफा मोबाइल खेलता था तब मैं बहुत, ठीक है। तब फीफा मोबाइल इंडिया पे नया साल आया था एंड तब एक स्ट्रीमर था स्टॉप दे बोलते STOPDE, ऐसे एक बंदा था जिनका मैं वीडियो रोज देखता था, तो मैं सोचता था इसके वीडियोस पे कितने सारे व्यूज आते थे एंड ऐसे वैसे वीडियो डालते थे, तो फिर इतने व्यूज कैसे आते थे, तो समझा कि इससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं, भाई पैसा मिलता है शायद। तो मैंने और रिसर्च किया, तो मेरे को ये सब कुछ भी मालूम नहीं था कि यूट्यूब पर वीडियो डालता है इसमें पैसे आते हैं या रोज कुछ, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने देखा, सब कुछ जाना समझा एंड उसके बाद मैंने ध्यान दिया यूट्यूब पर कि हाँ भाई करना है अब तो कुछ करना है, मगर भाई पहले पहले जो जानते हो सेम चीज़ हुआ, बंदे लोग नहीं आते थे, व्यूज नहीं पड़ते थे, अभी थोड़े बहुत आते हैं। ब्रो कितनी गर्लफ्रेंड है? भाई गर्लफ्रेंड बहुत है, मेरी बहुत सारे गर्लफ्रेंड है, ठीक है, नाम नहीं बता सकता आपको। एज ए स्ट्रीमर यू वॉच ए लॉट ऑफ टीम फाइटिंग विथ वन अनादर, अच्छा, व्हाट डू यू थिंक ए ग्रेट सिनर्जी टीम शुड हैव Which most of the team is missing? भाई most of the team missing, भाई last zone के लिए बहुत सारे teams नहीं जाते। मैं समझता हूँ कि भाई अगर आप PNCO खेल रहे हैं या फिर PNPL जिसमें भी बड़े बड़े टूर्नामेंट जिसमें भी खेलते हो, भाई आपको आगे जाना है, पहले अर्ली फाइट्स नहीं लेना है। जैसे कि क्रिकेट ओपन जैसे में मैंने देखा बहुत सारे टीम्स पहले अर्ली फाइट्स लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगर आपको पॉइंट्स लेना है तो बड़े बड़े टूर्नामेंट में ऐसा सिर्फ इसके लिए नहीं जाना है, आपको आगे भी जाना है, तो पहले उसके कुछ दो तीन जोन्स आपको बचना पड़ेगा, उसके बाद फाइट्स लेना चालू करना पड़ेगा। एंड द लास्ट, व्हाट डू यू वेलेस आर नोन अबाउट? भाई किल्स के दीवाने हैं वेले स्पोर्ट्स, किल्स के दीवाने, यस, बहुत सारे किल्स लेते हैं ये लोग। How did you started your YouTube journey? Bro, मेरा YouTube journey अगर मेरा पहला वीडियो आपने देखा तो 2015 में तब कुछ सोच के नहीं डाला था, बस ऐसे ही एक YouTube चैनल बना है एंड एक डॉग था सिर्फ वीडियो पर, सिर्फ एक डॉग, एकदम पहले का वीडियो, एक मिनट या फिर 1.5 मिनट का वीडियो था एंड सिक्किम घूमने गया था हम लोग, मतलब मैं और मेरी दीदी सिक्किम घूमने गए थे 2015, तब सिर्फ मतलब रास्ते पे घूम रहा था एक बढ़िया सा एक कुत्ता डॉग, तो उसका मैंने वीडियो लिया एंड उसको बस इधर घर आके वेस्ट बंगाल वापस आके उसको डाल दिया, यही मेरा स्टार्ट हुआ यूट्यूब जर्नी। और बौदी की सपोर्ट करेछिलो
প্রথমে করনি এখন করো তুমি রেজিস্ট্রেশন কাস্টম করছো না কেন ব্রো রেজিস্ট্রেশন কাস্টম কা প্রবলেম মেরে সাথ ইয়ে হো রহা হ্যায় কি বন্দে লোগ রেজিস্টার কর রহে হ্যায় মগর নহীং আ রহে হ্যায় তো ইসকে লিয়ে হম লোগ কাস্টম নহীং করতে ঠিক হ্যায় বহুত সারে টিম রেজিস্টার করতে হ্যায় মগর জগহ ওয়েস্ট করতে হ্যায় এন্ড বন্দে লোগ নহীং আ রহে হ্যায় টোকেন কাস্টম মে 90% বন্দে লোগ পড়তে তো মে রেজিস্টার কিউ করু कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा भाई बाहुबली कटप्पा मतलब कटप्पा बाहुबली को पसंद नहीं करता तो इसके लिए मारा होता है भाई ये मैं एक सीन की बात नहीं करता मैं दिल की बात करता हूँ भाई अफकोर्स ये पसंद नहीं करता था कोई भी भाई दिल पे मत लो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा सिर्फ ये उसको पसंद नहीं करता था इसके लिए भाई टीवी पे टूटा दे दिया टपा से आप स्पोर्ट्स खेलना कब स्टार्ट करोगे ब्रो स्पोर्ट्स मेरे लिए नहीं है उम्र 27-28 होने वाला है बस एक दो महीने तो स्पोर्ट्स मेरे लिए नहीं है मगर वीडियोज में डालता रहूंगा आप अपने क्लैन मेंबर्स को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे नॉर्मल क्लैन एंड आपके क्लैन में डिफरेंस क्या होगा ओनली फॉर BGMI भाई नॉर्मल क्लैन में एक जो होता है भाई वो लोग ऐसे ही खेलते हैं मगर हम लोग ऐसे नहीं खेलते हम लोग टूर्नामेंट्स भी खेलने जाएंगे एंड जो भी अच्छे प्लेयर्स रहेंगे इधर से हम लोग उनको अच्छे अच्छे स्ट्रीम्स या फिर और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एंड हम लोग जितने जल्दी भाई हमारा सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा उतने ज़्यादा मतलब पहचान भी बढ़ेगा तो हम लोग को ये पहला ध्यान देना है भाई सब्सक्राइब ये जितने जल्दी आता है हम लोग उतने जल्दी से और भी आगे जा सकते हैं एंड स्पोर्ट्स मेंबर्स को इधर हमारे टीम के मेंबर्स को ऑफकोर्स ज़्यादा फैसिलिटीज तो ऑफकोर्स मिलेगा एंड आप भी बताओगे कि कैसे कैसे फैसिलिटीज से आपका हेल्प होता है मैं वही करने की कोशिश करूँगा मैं आपको हर वक्त आपका आप लोगों की सुनता हूँ तो आप लोग जब भी जो कुछ भी बोलो मैं वो करने का कोशिश जरूर करूँगा ठीक है एडवांस कॉम्पिटिशन फॉर 3K थैंक यू सो मच FBFUT Edits थैंक यू सो मच ब्रो बस भाई और तो हम सब जानते ही हैं और आपका हाथ हमारे सर से हमेशा बना रहेगा और तो आप साथ हो ही हाँ भाई एकदम मैं सबके साथ हूँ आपके भी साथ हूँ मिस्टर रुकने भाई आपने इतने दिन मेरा साथ दिया है तो मैं भी आपके साथ ऑलवेज सब बुरे वक्त पे एंड अच्छे वक्त पे बस मेरे को बोलना कि क्या परेशानी आ रही है मैं कोशिश करूँगा जितना होता है मेरी तरफ से हेल्प करने का ठीक है आपने YouTube कब स्टार्ट किया भाई 2015 पे एंड एक ही वीडियो डाला था मगर उसके बाद वीडियो नेक्स्ट वीडियो आया शायद 2017 या फिर 18 पे ठीक है क्योंकि उससे पहले मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है कि कैसे क्या होता है मैं सोचता कि था कि ऐसे फेसबुक में जैसे वीडियो डालते हैं इधर भी ऐसे ही वीडियोज डालते हैं एंड ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है भाई सिर्फ शौक के लिए डालते हैं तो मेरे को नहीं पता था तो इसके लिए एंड नेट भी इधर इन जमाने मतलब आज के जैसे नहीं था तो दिन अलग थे तब हमारे इधर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 3K सब्सक्राइबर वेटिंग फॉर 10K थैंक यू सो मच कैम गेमिंग आई ये थैंक यू सो मच ब्रो वन प्लस लियो हो भाई अभी स्ट्रीम वगैरह करने में कैसा मजा आता है कोई दिक्कत तो नहीं आती अभी कुछ भी दिक्कत नहीं आता जो भी दिक्कत आता है मेरी वजह से आता है मतलब ये प्लग करना भूल गया वो प्लग करना भूल गया ये चालू करना भूल गया वो चालू करना भूल गया बाकी सब कुछ ठीक था भैया बस आपका टैटू दिखा देना एक बार लव यू वेल एक्स रोलिंग टैटू ये देखो देख सकते हो ये इधर से रोलेक्स गेमिंग भाई आप कहाँ पर रहते हो एंड प्लीज गिव अ शाउट आउट पहले अ बिग शाउट आउट टू रोलेक्स गेमिंग भाई फ्रॉम मधु गेमिंग भाई ब्रो एंड मैं वेस्ट बंगाल रहता हूँ वेस्ट बंगाल अरबाज पूछो क्या पूछो सब तो जानता हूँ मैं सम्राट चैटर्जी 2021 पूजो प्लानिंग की ब्रो 2021 पूजो प्लानिंग घर पे ही बैठना पड़ेगा शायद बाहर तो नहीं जाता क्या घर पे ही बैठेंगे स्ले निंजा आप क्या काम करते हो भाई मैं पेशे से मतलब एक्सरे टेक्नीशियन हूँ ज्यादा बंदे लोग को मत बताना ठीक है एक्सरे टेक्नीशियन
हाथ पैर टूट रहा है तो मैं उसका पकड़ पकड़ के एक्सरे करता हूँ। धर्म गेमिंग रॉयल पास गिवअवे कब स्टार्ट होगा? BGMI इज नाउ हियर। रॉयल पास गिवअवे तो वो तो मैं अभी नहीं कर सकता, उतना अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। कस्टम रूम्स के लिए इतने इतने मतलब पैसे खर्च करना पड़ रहा है, तो अभी भाई रॉयल पास आगे और पैसे इतने पैसे मेरे पास नहीं है तो मगर आगे जाके कर सकता हूँ देखते हैं। और भी दोस्तों यूट्यूब स्टार्ट करने का रीजन क्या था? पैसा पैसा मनी मनी। और ब्रो आप रोज BGMI खेलते हो, अलग अलग गेम खेलोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा फोन में BGMI सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए जब आप BGMI का स्ट्रीम करते हो तब मैं नहीं आता हूँ। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप BGMI के साथ और दो तीन गेम का लाइव स्ट्रीम, यस। और ये दोस्तों ये बस होने वाला है 11 गेम्स डाउनलोडेड इन माई OnePlus 9 Pro, 11 गेम्स ठीक है। तो मैं बस एक हफ्ता या फिर दो हफ्ता समझो, एक दिन BGMI एक दिन दूसरा गेम, एक दिन BGMI एक दिन दूसरा गेम, ऐसा करके चलाऊंगा ठीक है। शोभ जोदीप फ्री यूसी दे दो सभी सब्सक्राइबर्स को, फिर दो दिन में 10K हो जाएंगे। नहीं भाई ऐसा 10K मेरे को नहीं चाहिए ऐसा 10K मेरे को नहीं चाहिए भाई। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? लव मैरिज अरेंज हुई तो पहली बार देखा तो क्या लगा, और लव हुई तो बताओ कैसे मिले भाई? मेरा भाई का शादी था वहां पर मिले थे। अगर ज्यादा पर्सनल पूछ लिया तो इग्नोर कर देना, और सॉरी नहीं भाई ये पर्सनल वाली बात क्या है क्या पर्सनल नहीं है, मगर पर्सनल है मगर वैसा पर्सनल नहीं है ठीक है, गलत मत समझो। तो गाइस यही था आज के सवाल से, एंड आखिरकार मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर नहीं मैं मधु गेमिंग बैठी हूँ, यो इट्स इट्स ऑल।